नमस्कार, स्वागत है आपका शिवानीज राजस्थानी रसोई में। आज हम बनाएंगे गुड़ के लड्डू, जो कि बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी। आटे के गुड़ वाले लड्डुओं के लिए हमें चाहिए 2 बाउल आटा, 1 बाउल गुड़। गुड़ को हमने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है और बाउल को ऊपर तक भर लिया है। 1 बाउल घी, 30 to 35 एलमंड्स, 1/4 बाउल गोंद, गोंद को हमें बारीक पीस लेना है, 1/3 बाउल बूरा एंड 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। मेजरमेंट के लिए आपको ध्यान रखना है कि आप जिस कप से या बाउल से आटा लेंगे उसी कप या बाउल से आपको गुड़, गोंद, बूरा व घी भी लेना है। सबसे पहले हम गोंद को बारीक पीस लेंगे। अब हम कढ़ाई गरम करने के लिए रखेंगे और उसमें 1 बाउल घी डाल देंगे। घी के थोड़ा गर्म हो जाने पर हम इसमें 2 बाउल आटा डाल देंगे, जो हमने पहले ही मेजर करके रख लिया है। अब हम आटे को सेक लेंगे। जब आटा सिकने लग जाएगा, आटा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा, तब हम इसमें पिसे हुए गोंद को डाल देंगे। हम कढ़ाई के बीच में आटे को थोड़ा सा साइड करके जगह बनाएंगे और इसमें थोड़ा घी डालेंगे। हमने पहले जिस बाउल से मेजर किया था घी को, हमें उसी बाउल को 1/4 भर लेना है और घी कढ़ाई में डाल देना है। और घी के साथ में ही हम इसमें डाल देंगे पिसा हुआ गोंद। घी में गोंद को डाल देने के बाद अब हम इसे सेकेंगे और हमें आटे को डार्क गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। गोंद हमारा आटे के साथ ही सिक जाएगा। हमें ध्यान रखना है, हमारे गोंद की गुठलियां नहीं बननी चाहिए। अगर इसकी गुठलियां बन दें तो हमें इन्हें तोड़ लेना है और आटे के साथ फिर गोंद को सेक लेना है। हमें आटे को डार्क गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है, नहीं तो कच्चा आटा रह जाएगा तो लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। आटा डार्क गोल्डन ब्राउन कलर का हो चुका है, आटा बहुत अच्छे से सिक चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे गुड़। हमने जिस बाउल में गुड़ लिया है उस बाउल को हमें ऊपर तक अच्छे से भर लेना है। अब हम कढ़ाई में गुड़ को डाल देंगे और गुड़ को आटे के साथ मिक्स करेंगे। हमें ध्यान रखना है, गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल लो रखना है। हमें गुड़ को दबा दबा कर तोड़ लेना है। गुड़ बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा क्योंकि आटा बहुत गर्म है। इस टाइम हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और गुड़ और आटे को मिक्स करेंगे अच्छे से। और आटे में 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर पाउडर का टेस्ट आटे के गुड़ वाले लड्डुओं में बहुत अच्छा लगता है। गुड़ आटे में मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे हमारे एलमंड्स, जिन्हें हमने दरदरा ग्राइंडर में पीस लिया है। एलमंड्स डाल देने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1/3 कप बूरा। बूरे को आप थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ा बहुत बूरा आप ऐड और कर सकते हैं। अब हमें इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है एक दूसरे के साथ में और कढ़ाई को हम गैस पे से हटा देंगे। हमें आटे को कंटिन्यू हिलाते रहना है और हमें इसे तब तक हिलाना है जब तक कि आटा इतना ठंडा ना हो जाए कि हम इजीली आटे से लड्डू बना सकें। हमारा आटा थोड़ा बहुत ठंडा हो चुका है, हम इससे इजीली लड्डू बना सकते हैं। अब हम थोड़े से आटे को हाथ में लेके थोड़ा प्रेस करते हुए लड्डू की शेप देंगे। आज जो हमने रेसिपी बनाई है आटे के गुड़ व गोंद वाले लड्डू, ये सर्दियों में खाए जाते हैं और ये हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छे होते हैं। प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी।
और मेरी नेक्स्ट रेसिपी आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमें इस तरीके से हमारे सभी लड्डू बना लेने हैं। हमारे लगभग 16 लड्डू बनकर तैयार होंगे इस मेजरमेंट से। हमारे गुड़ के गोंद वाले लड्डू बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी लड्डू बनते हैं और बहुत ही ईजी मेथड से मैंने आपको बताया है, आप इसे बनाकर ट्राई कीजिए। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जिस मेज़रमेंट से आपने आटा लिया है उसी मेज़रमेंट से आपको और चीज़ें भी लेनी हैं। और हमारे झटपट बनने वाले लड्डू 20-25 मिनट्स में बनकर तैयार भी हो जाते हैं। इन्हें बनाकर ट्राई कीजिए। थैंक यू।